पार्टी के सीनियर लीडर हैं, राज्यसभा के सांसद हैं और उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं और इन दिनों यूसीसी को लेकर बड़े मुखर हैं। संजय सिंह जी, शुक्रिया हमें समय देने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मैंने आपके पार्टी का एक ताज़ा स्टेटमेंट सुना है, आप भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के यूसीसी के समर्थन में खड़े हैं, इसका क्या मायने लगाए जाए? देखिए, मैं ब्रजेश जी आर्टिकल 44 आपके दर्शकों के लिए पढ़ के सुना देना चाहता हूं। आर्टिकल 44 क्या कहता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के मुताबिक राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। शब्द पे ध्यान दीजिएगा, यानी संविधान सरकार को सभी समुदायों को उन मामलों पर एक साथ लाने का निर्देश दे रहा है जी, जो वर्तमान में उनके संबंधित व्यक्तिगत कानूनों द्वारा शासित हैं। बिल्कुल ठीक कहा हमारे भाजपा के मित्र राकेश जी ने कि भारत के संविधान निर्माताओं ने यह निर्देश दिया है कि आप अलग अलग समुदायों से, अलग अलग समूहों से बातचीत करके एक कानून यूनिफॉर्म सिविल कोड का बनाइए। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, इसलिए सैद्धांतिक रूप से हम इसके समर्थन में हैं। अब हमारा दूसरा प्रश्न है कि क्या आपने इस देश के अलग अलग समुदायों से, धर्मों से, जातियों से बातचीत किया? इस देश में लंबी लड़ाई के बाद 2012 में सिखों को आनंद मैरिज एक्ट मिला, वो आनंद मैरिज एक्ट का क्या होगा? इस देश में लंबी लड़ाई के बाद जैन धर्म के लोगों को अल्पसंख्यक कैटेगरी में शामिल किया गया, उनके अल्पसंख्यक कैटेगरी में शामिल होने के बाद अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को जो शिक्षा के क्षेत्र में या बाकी छात्रवृत्ति के लिए जो उनको सुविधाएं दी गई हैं उसका क्या हो गया? बौद्ध धर्म को मानने वाले और बहुत सारे दलित समुदाय के लोग हमारे बौद्ध धर्म को मानते हैं, उनके अपने कानूनों का क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल है आदिवासी समुदाय के लोगों का, और मैं आपके सामने एक एक करके पढ़ना चाहूंगा और इस देश की जनता को पता होना चाहिए, यह हमारी चिंता है। जैन धर्म में एक संथारा का कानून है, उसका क्या होगा? अब आ जाते हैं आर्टिकल 371A, यह क्या कहता है? यह कहता है इसके मुताबिक संसद बिना नागालैंड की विधानसभा की मंजूरी के नागा धर्म से जुड़ी हुई सामाजिक परंपराओं, ध्यान से सुनिएगा, पारंपरिक नियमों जी, कानूनों, नागा परंपराओं द्वारा किए जाने वाले न्यायों, नागाओं की जमीन के मामलों के कानून नहीं बना सकती। ये आप देख रहे हैं, भारत की संसद भी कानून नहीं बना सकती बिना नागालैंड की सरकार की अनुमति के। और अभी हमारे मित्र भाजपा के कह रहे थे कि जमीन के मामले, बाकी मामले, इसमें तो जमीन का अधिकार दिया गया उनको, अपने हिसाब से कानून बनाने का अधिकार उनको दिया गया है, इनको धार्मिक परंपराओं, धार्मिक मान्यताओं के अपने हिसाब से चलाने और बनाने का उनको कानूनी अधिकार दिया गया है, इसका क्या होगा?